फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम संपूर्ण भारतवर्ष में होते हैं और बहुत सारे लोग उन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में या सेमिनार्स में अपने प्रश्न पूछते हैं। उनमें से कुछ लोग बिजनेस संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग जो MLM करते हैं या MLM कंपनी को ज्वाइन करते हैं वो हमेशा सवाल MLM से संबंधित ही पूछते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि MLM से संबंधित दो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं, जहाँ पर MLM से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी है। लेकिन उस लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों को भी उस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। उसने पूछा कि सर, MLM कौन लोग करते हैं, MLM किस मानसिकता के लोग करते हैं और MLM करने वाले लोगों की क्या महत्वाकांक्षा होती है और वो MLM ज्वाइन करने के बाद क्या पैसा कमा पाते हैं, सफलता पा पाते हैं या कहीं ना कहीं रह जाते हैं। दोस्तों, पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के दो मुख्य साधन होते हैं, एक नौकरी और दूसरा बिजनेस। तो बात करते हैं नौकरी की। जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करने से पहले उसको अपनी योग्यता या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करना होता है, जिसके आधार पर वो नौकरी करता है और जितना समय वो अपनी नौकरी में देता है उसी से संबंधित जॉब में उसको सैलरी मिलती है। उस लिमिटेड सैलरी में ही उसको अपने सपने साकार करने पड़ते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से बिजनेस करने के लिए एक बड़ी धनराशि, एक जगह, व्यापार से संबंधित कोई प्रोडक्ट या सर्विस और बहुत सारा अनुभव चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इतनी बड़ी पूंजी, इतना अनुभव, इतने अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस का निर्माण करने के बाद भी आप उस व्यापार में सफलता हासिल कर पाएंगे या नहीं। वहां पर आपकी सफलता के चांसेस भी होते हैं और आपकी विफलता के चांसेस भी होते हैं और उस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आपको अपना बहुत सारा समय निवेश करना पड़ता है और जब आप अधिक समय निवेश करते हैं तो आप कभी भी तनाव मुक्त नहीं रह पाते। और जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए एक सिस्टमेटिक नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट डीलर तक जाता है, डीलर के बाद वो प्रोडक्ट आपके होलसेलर पर जाता है, होलसेलर के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपको बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है और वो निवेश आपकी एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, सेल्स, प्रमोशन, मार्केटिंग पर खर्च होता है। जिस तरह से पैसा कमाने के लिए जॉब या बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक उसी तरह से पैसा कमाने के लिए MLM भी एक अपॉर्चुनिटी है। MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि MLM करता कौन है, किस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं जो MLM ज्वाइन करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, MLM भी जॉब और बिजनेस की तरह एक सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड बिजनेस करने का मेथड है। इस मेथड में भी किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है या कुछ सेवाएं दी जाती हैं और उसके बदले जो मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूजर तक के बीच में जो खर्चा किया गया था, उस खर्चे को, उस एडवर्टीजमेंट के खर्चे को, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग के खर्चे को बचा के वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अपने मेंबर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात समझी जाती है कि जितना बड़ा एक्सपेंडिचर सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग पर किया जा रहा है, यदि इसका प्रॉफिट, यदि इसका बेनिफिट हम अपने कंज्यूमर को देंगे तो हम शायद माउथ पब्लिसिटी के जरिए बहुत तेजी से बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि वास्तविकता में MLM करता कौन है और किस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं जो MLM करते हैं। MLM करने की कोई अलग जनरेशन नहीं होती, बिजनेसमैन भी MLM करते हैं, प्रोफेशनल्स भी MLM करते हैं, जॉब वाले लोग भी MLM करते हैं, हाउसवाइफ्स भी MLM करती हैं और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल टाइम या पार्ट टाइम भी MLM करते हैं। दोस्तों, MLM कमाई करने का एक ऐसा जरिया है जहां पर आप बहुत कम समय में बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग MLM करते हैं जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों का समूह क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को रिकमेंडेशन के बेस पर इनकम कमाने और इनकम देने में उनकी सहायता करते हैं। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं और एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ हमेशा रिलेशन डेवलप करके उनको कमाने और खुद कमाने में मदद करते हैं, वो लोग, ऐसी मानसिकता के लोग MLM करते हैं। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि MLM में सफलता कौन हासिल करते हैं। आप जानते हैं कि MLM एक तरह से रिकमेंडेशन का बिजनेस है और आपको जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए रिकमेंड करता है तो वहां पर उस प्रोडक्ट के अलावा उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी या उसका रिलेशन आपके साथ इतना घनिष्ठ होता है कि आप उसके कहने पर MLM ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, MLM ज्वाइन करना और MLM करना
दोनों अलग बातें हैं। 100 में से 99% लोग MLM ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन केवल 1% लोग होते हैं जिनके बड़े ड्रीम होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो लाइफ में बड़ी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और जो नेटवर्क इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने व्यापार को बड़ा कर सकें और लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकें। वो लोग बड़े विजन, बड़े ड्रीम के साथ MLM में काम करना शुरू करते हैं और बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। MLM का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई बार आप दूसरे की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए या सक्सेसफुल पीपल्स को देखकर आप MLM ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आपको उन सपनों को हासिल करने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो समय निवेश करना पड़ता है, आप वो करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे आए दिन बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप का प्रपोजल लेके आते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं और जरा सी भी कठिनाई सामने आती है तो उसको छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों के साथ, अपनी महत्वाकांक्षा के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने स्टार्टअप पर काम करता है, बहुत कम समय में वो बहुत अधिक सफल हो जाता है। ठीक उस तरह से यदि आप किसी भी कंपनी का MLM ज्वाइन करते हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक एकाग्रता के साथ और एक बड़े विजन के साथ उस पर काम करना शुरू करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यदि आप MLM पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करेंगे तो शायद आपकी सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन यदि आपने MLM एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ काम करने के लिए ज्वाइन किया है तो आपकी सफलता निश्चित है। इसीलिए यदि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत अधिक सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विजनरी बनना होगा, आपको एक मिशनरी व्यक्ति बनना होगा, तभी आप इसमें बहुत अधिक सफलता हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, MLM ज्वाइन करने से पहले मेरे पिछले दो वीडियो भी देखें और उन लोगों के साथ जो MLM ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।